नमस्कार, मैं हूं सतीश मिश्र और आपके पास फिर वही कार्यक्रम लेकर आया हूं जिसका नाम है ऑफ द रिकॉर्ड बातें। वे खबरें, वे बातें जिन्हें आपने कभी अखबार में या टीवी पे या कहीं वेबसाइट पे नहीं पढ़ा होगा, ये मेरे अंतरंग, मेरे व्यक्तिगत जो अनुभव हैं, जो 35 साल की पत्रकारिता की यात्रा में जो जुड़े हैं चीज़ें, उसको मैं आपके पास लेके आता हूँ इस विशेष कार्यक्रम में। और आज मैं लेके आया हूँ सचिन तेंदुलकर के बारे में। जी हाँ, वही महामानव, महाखिलाड़ी जिसके बारे में लेकर कई हर तरह के लोग, हर तरह की बातें, कोई दम भी, कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं आपको उसका गवाह हूँ। मैंने उस खिलाड़ी को पहली बार 1984-85 के एंड में उसका इंटरव्यू सबसे पहले करने वाला मैं। ये बात उसने अपनी आत्मकथा में लिखी है कि किस तरह से ये टॉम वॉल्टर का जो आजाद मैदान में इंटरव्यू लिया गया था, ये हैरी शील्ड टूर्नामेंट में जिस तरह उन्होंने विनोद कांबली के साथ मिलकर 600 प्लस की भागीदारी की थी, इसके बाद काफी वो चर्चा में आए थे। तो उसी दौरान इंटरव्यू के पहले अजीत तेंदुलकर का मेरे पास फोन आया और उन्होंने मुझसे समय लिया, आए भी। उस दिन न जाने क्या व्यस्तता थी या कुछ ऐसा कार्यक्रम था, मैं नहीं जा पाया। अगले दिन मैं उनके साथ उनके घर, उन्होंने कहा कि आपको शिवाजी पार्क चलना है, मैंने कहा चलिए, और हम वहां से शिवाजी पार्क गए। वहां पर उस गर्मी के दिन थे, मुझे याद है, गर्मी में ग्राउंड फ्लोर फ्लैट था उनके चाचा जी का जिसमें वो प्रैक्टिस करते थे। तो सचिन को मैंने वहां देखा पहली बार, हुक पे लटकाए हुए मोजे में बॉल था और वो नॉक दे रहा था बॉल को। तो उस पहले स्वरूप से लेके और इसके बाद की छवि, नवभारत टाइम्स में एक कॉलम आता था उभरते खिलाड़ी, मैंने उसके लिए सचिन का इंटरव्यू किया था और सबसे पहले छापा था मैंने किसी भी भारत या विश्व के किसी भी अखबार में, सबसे पहले वो इंटरव्यू छपा था। तो सचिन के व्यक्तित्व का वहाँ से लेकर जो एक मेरा अनुभव रहा था, उसी से जोड़कर मैंने एक जो बाद में कार्यक्रम हुआ जिसके लिए मैंने जोर हुआ, यूँ कि मुंबई के उपनगर कांदीवली में एक ठाकुर स्टेडियम है जिसकी न्यूज रखने से लेके सब में से मैं पहले से जुड़ा रहा था। तो वहाँ पे बीएमसी के गरीब बच्चे खेलते थे और वे जिस लगन और जिस तरह से आके खेलते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं उनको काफ़ी मदद भी करता था, कई चीज़ें उपलब्ध करवा देता था उनको। तो उन बच्चों में से एक ने मुझे कहा, सर कभी सचिन तेंदुलकर आएंगे तो हमको, क्योंकि उसके पहले कई खिलाड़ी वहाँ आए हुए थे, तो सचिन तेंदुलकर से कभी मिलवाएंगे सर। ये बात आई गई हो गई। फिर एक दिन ट्राइडेंट में एक प्रोग्राम था जिसमें सचिन, अजीत सभी थे, तो मैंने अजीत से मिलते ही ये बात छेड़ी कि मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है कि आप किसी तरह अरेंज करवाइए कि सचिन को मैं चाहता हूँ कि वहाँ आए, इज इट पॉसिबल। उस समय तक तो सचिन बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, तो उन्होंने खुद सचिन को पास बगल में खड़े थे उनको बुलाया और कहा कि ऐसा ऐसा है कि बहुत अच्छा काम है और मैं सचिन, सतीश जी कह रहे हैं अब तुमको आना चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, वरना तो उसके हर कार्यक्रम, हर शेड्यूल को तय करने वाले उनके मैनेजर्स होते हैं, उनके कंसल्टेंट्स होते हैं, उनके बिना पूछे वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर उसने तुरंत कहा मैं आऊँगा। हाँ, अब बाकी का आप लोग तय कर लीजिएगा मैनेजर से और फर्म से। मैंने कहा ठीक, वो मैं बातें कर लूँगा। करीब 20 दिन के बाद मुझे फ़ोन आया कंपनी का, उनकी जो कंसल्टेंट थे, कि सचिन की एक वहीं पे पास ही वेस्ट में, बोरीवली वेस्ट में शूटिंग थी किसी एडवर्टीजमेंट की, तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो वो उस दिन आ सकते हैं, आप कब चाहेंगे, फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ। मैंने कहा फर्स्ट हाफ, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे आते हैं, तो उनकी शूटिंग से उन्होंने कहा था कि वो उनके मैनेजर ने कि 15-20 मिनट आधा घंटा रुकेंगे। बंदा 1.5 घंटा पहले आया
और सचिन को मैंने रिसीव किया। आप खुद देखिए फोटो में किस तरह से वो मेरे साथ पूरी ग्राउंड में एक एक नजारा मारते रहे, घूमते रहे। वे स्टेडियम के पिच तक गए, स्टैंड में गए, नेक प्रैक्टिस नीचे देखी और उसके बाद सेंटर पिच में गए। उन्होंने बकायदा उसको कहते हैं ना, जो जिस विधा का मनुष्य होता है वो उसके कण कण को जानता है। तो उस बंदे ने वहाँ बकायदा पिच पर उंगली गाड़ के देखी और उसके पैर मारे, उसके फर्मनेस का जायजा लिया और इसके बाद मैं हट गया। और उन बच्चों के साथ उनका एक जो तारतम्य मैं दूर से बैठ के देख रहा था, किस तरह उन्होंने एक लगन, किस तरह बच्चों के साथ जुड़कर एक एक उनको बैठ, अगर उनके पैर आगे पीछे हो रहे हैं तो वो उनको ये नहीं कहते पैर आगे पीछे, उसका पैर पकड़ के आगे कर देते थे, यहाँ पैर रखो, शॉट्स खेलना, ये सब उन्होंने करीब, उन्होंने मुझे कहा था कि उनके मैनेजर 20-25 मिनट, करीब 1.25 घंटा वो रहे वहाँ पर। और बच्चों के पहले सिखाने से फिर शूटिंग, फोटोशूट, ऑटोग्राफ देने के, इतना मतलब खुश कर दिया उन बच्चों को, वो तो गदगद हो गए बच्चे। जाते हुए यही कहा सचिन ने कि सर इसको छापिएगा मत, इसकी न्यूज मत बनाइएगा। ये बात को दशकों बीत गए हैं लेकिन मुझे वो इसका एक समर्पण क्रिकेट के प्रति, उन आपको पता है वे एक ऐसे एनजीओ से जुड़े हुए हैं जो कि उनकी पत्नी अंजलि की माँ का है, उसके लेकर वो नो इतना कब से काम करते आ रहे हैं लेकिन न कभी कोई पब्लिसिटी, न कोई कभी कभी नहीं उन्होंने कुछ इस बारे में कहा कि नहीं, चाहा कि कुछ छपे। और वही इन्होंने यहाँ किया कि सर इसको न्यूज़ मत बनाइएगा। मैंने कहा नहीं बनाऊंगा, लेकिन अब मैं सब समय बीत गया है तो अब मैं चाहता हूँ कि सचिन के इस व्यक्तित्व के पहलू को भी लोग जाने कि किसके दिल में कितना खरा सोना है, किस तरह का आदमी है वो, कि एक बुलावे पर आए वो, उन्होंने समय दिया, गरीब बच्चों के साथ खेला और इसके बाद रुखसती की। बहुत अच्छा लगा। तो कैसा लगा आपको ये अनुभव, कैसा लगा ये उन खबरों को आपके साथ लेकर आना जिसे आप तक नहीं आप जान पा रहे थे। इसके बाद आपको मैं इसी मैदान की और भी कुछ खबरें बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पर लिएंडर पेस मेरे पीछे हमेशा लगे रहते थे, जानते हो, यही से ग्रैंड स्लैम चैंपियन टेनिस प्लेयर, बहुत बढ़िया क्रिकेटर हैं वो। वो किस तरह डेयर नाइट मैच खेलने के लिए उत्सुक रहते थे, किस तरह वो मनोज तिवारी जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो खेलते थे, वो किस तरह मेरे पीछे हमेशा पूछते रहते थे, वो सारी बतले मैं आपको शेयर करूंगा। वो सारी बातें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह इनके मैं और कौन कौन क्रिकेटर कैसे खेलते हैं और कितने अच्छे खेलते हैं, इन सब का मैं आपको जायजा दूंगा। इसके अलावा भी बहुत सी खबरें लेकर मैं इसी तरह इसी कार्यक्रम में लेकर आपके सामने आता रहूंगा, जिसका नाम है ऑफ द रिकॉर्ड बातें। सतीश मिश्र आपको लेकर आएंगे, सुनाएंगे इस तरह की अनूठी खबरें। और तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम और बाय बाय।